तो ये सोचते हैं कि अगर हम इस घर में पैदा ना होते तो इन घर वालों का क्या होता, सारा काम हम का करना पड़ता है, हैं? ये क्या बात कर दी हमने, अगर हम यहाँ पैदा ना होते तो ये होते क्यों? अरे छोड़ो यार, अरे ये सुबह सुबह कौन आ गया? यही बात है अल्लाह मियाँ, जो इतने काम करके भी हम खुश रहते हैं। मैं जाऊं क्या? अरे क्या बात कर रही, हम अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा कर रहे हैं और आप जाने की बात कर रहे हैं। तो अच्छा मैं रुक जाती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। बताइए आपका हमारे साथ कुछ जरूरी काम था? आपसे नहीं, मुझे खैरन से मिलना है। अरे वाह, अरे तो पहली मर्तबा हुआ कि खैरन से मिलने कोई ब्यूटीफुल चेहरा आया। आप हैं कौन? मैं चार घर छोड़ के रहती हूँ। अरे पहले तो ये बताइए कि आपने चार घर छोड़े क्यों? ओहो, मेरा मतलब है मैं चार छोड़ के रहती हूँ। मगर हमारा तो एक ही घर। बात सुनिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, खैरन को बुला दीजिए। नहीं, पहले ये घर छोड़ने वाला मसला हल होगा। अच्छा सुनिए, ये आपका घर है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ से चौथे घर में रहती हूँ। लीजिए, तो ऐसे कहिए ना। शुक्र है आप समझ गए, आप खैरन को जल्दी से बुला दीजिए। देखिए मोहतरमा, खैरन इस वक्त किसी से ना ही मिल सकते। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उनको ड्रिप लगी हुई, उनकी सीट खाली होने वाली। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उनसे अंदर जाके खुद ही मिल लेती हूँ। लगता है आप खैरन ही से मानेंगे। तो आप उनको बुला दीजिए ना। देखिए इस वक्त खैरन आराम फरमा रही हैं और उनको उठाने की जुरत हम ना ही कर सकते। तो ऐसा कहिए ना, आप उनको बता दीजिएगा कि पड़ोस से मिसेज गुलाम आई थी। मिसेज गुलाम? अरे वाह, वैसे मिसेज गुलाम आप एक स्टेप अपग्रेड हो सकती हैं। अपग्रेड क्या मतलब? अपग्रेड मतलब कि आप मिसेज गुलाम से मिसेज वजीर बन सकती हैं। जी नहीं, मैं मिसेज गुलाम रसूल ही ठीक हूँ। अब आपने गुलाम के साथ ऐसा नाम लगा दिया है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, आप जाइए, हम खैरन को बता दें। शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना। अरे यार अल्लाह मियाँ, ये हर खूबसूरत लड़की शादीशुदा क्यों होती? जरा बाथरूम से। हाँ भाई, कौन थी वो? ये का किसी नए ड्रामे का नाम है? ड्रामे का नहीं, मुझे तो तुम्हारी कोई नई फिल्म लगती है। अरे का मतलब, खैरन हम समझे ना। तुम तो नन्हे हो ना, कौन औरत थी गेट पे? आपको कैसे पता चला कि गेट पर औरत थी? अरे मर्दों से तुम नहीं ज्यादा बात करते, मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जानता है? अरे आप तो ऐसे कह रही हैं खैरन, जैसे आपने हमका पाल पोस कर बड़ा किया। आए मैंने पाला पोसा होता ना तो तुम्हारी इतनी अच्छी तरबियत होती, ऐसे नाकारा ना होते तुम। आए हाय हाय खैरन, आपके पाले हुए हमने देखे हैं दो दो, एक माशाल्लाह डॉक्टर है और दूसरा वकील, का कोर्ट में जाकर केस लड़ता है। अच्छा ज्यादा बकवास ना करना मेरे बच्चों के बारे में, समझ गए? जल्दी बताओ कौन थी। ये बात ऐसे भी पूछी जा सकती, वो गुलाम। गुलाम? देखो देखो वजीर, अगर तुमने झूठ बोला ना, मैं सामने वाले चौकीदार से पूछ लूंगी। और खैरन पूरी बात तो सुनिए, गुलाम से पहले मिसेज लगाना भूल गए। देखा ना, निकली ना औरत, कौन थी भाई? अरे वो आपसे मिलना चाह रही थी, लेकिन हमने कहा खैरन आराम फरमा रही है तो वो चली गई। झूठे कहीं के, मैं कब आराम कर रही थी? अब बिस्तर पर पसरे रहने को आराम ही कहते हैं। बहुत ही तुम नालायक हो मैं, पता नहीं किस लिए आई थी। अरे खैरन आप हुक्म कीजिए, अभी के अभी बुला लेते हैं उसको। कोई जरूरत नहीं तुम्हारे जाने की ठरकी, उसको बुलाने के लिए मैं बब्बन और प्यारे को भेजूंगी, जाओ बुला के लाओ उनको। क्यों नहीं, वो तो जैसे जाते साथ ही उसको बहन बना लेंगे ना, हमारे ही बच्चे हैं वो। तुमसे बहुत बेहतर है, जाओ बुलाओ जल्दी। जरा आराम से। अरे जाओ, आराम के बच्चे।
आ गए बबन प्यारे? जी मालिक आ गए। अरे अम्मा ये क्या चीचोर बना है यार, अल्लाह की कसम इतने जरूरी काम कर रहे थे अपन लोग। हाँ और तुमने बुला के सारा काम खराब कर दिया। क्या काम कर रहे थे, बम बना रहे थे क्या? अरे नहीं खैरन, खेल रहे थे और वो भी लड़कियों वाला, वो जो हम बचपन में खेला करते थे। अच्छा अबे तुम्हारा बचपन किस उम्र में होता था और तुम लड़के किस तरह होते थे? एक तो हमारी हर बात का उल्टा मतलब निकाला जाता है इस घर में। हाँ तो हो जाओ मुझसे, कह दो कि जा रहा हूँ घर छोड़ के। खैरन अब अपनों की बातों का कब बुरा मनाना। हाँ हम समझे कोई जज्बाती फैसला करने वाले हो अभी तो। अच्छा ना छोड़ो यार, अम्मा ये बताओ क्या काम है? भाई काम ये है कि वो पड़ोस में जो रहती है ना मिसेस गुलाम, उन्हें बुला के लाओ। अरे वाह, रिश्ते का चक्कर है का? हाँ कुछ ऐसा ही है। अरे अब्बा शर्म करो यार, रिश्ते की बात हमारी हो रही है, तुम गधों की तरह अलग शर्माना शुरू कर देते हो। अच्छा बकवास बंद करो ना, जाओ बुला के लाओ। चलो एक मिनट, हम भी साथ आएंगे। एक मिनट, किस खुशी में? अरे हमने उनका घर देखा हुआ है, तुम लोगों को दिखा देंगे, बल्कि घंटी भी बजा देंगे। तुम्हारे कान के नीचे घंटी बजा दूंगी, बैठ जाओ चुप करके। हाँ ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने का जरूरत नहीं है, हमें पता है वो कहाँ रहती हैं। अच्छा तो फिर बताओ कहाँ रहती हैं? मैं बता दूं आपको, हमारे साथ वाले घर में सरा रहती है। हाँ उसके बराबर वाले घर में सुमैला रहती है। उसके साथ वाले घर में सादिया रहती है। उसके बराबर वाले घर में ज़ेबा रहती है। उसके अम्मा का नाम है मिस्टर गुलाम, क्योंकि उसके अब्बा का नाम है मिस्टर गुलाम। वाह वाह वाह, खैरन आके खोल कर देख लीजिए अपनी औलाद को, कितने शरीफ हैं ये, हमारा तो सिर्फ नाम ही बदनाम है। तो इनकी उम्र है अच्छा ये सारी लड़कियों के नाम याद करने के, तुम तो एक्सपायर हो गए हो बुड्ढे। हाँ तुम खाली चौकीदार के नाम याद रखो, चलो भाई आओ। ठीक। वैसे घूर घूर के क्या देख रहे हो है? बात सुनो, वो औरत आएगी ना तो तुम इस घर से क्या इस मोहल्ले से भी बाहर रहोगे। आओ जरा मैं तुम्हें सैर करवाऊं बाहर। अरे इधर ही करवा दे, कब्र खोद दे हमारी, इधर ही दफन कर दे हमका। चुप करो, चलो छोड़ो बात। अरे आइए 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 आइए। लो अम्मा ये देखो आइटम पकड़ के लाए बाहर से। है कहने का मतलब है कि आपको बुला कर लाए हैं। बैठिए बैठिए, शुक्रिया। आप तो ठीक ठाक लग रही हैं। तो आपको क्या लग रहा था अम्मा, पत्थर मार रही होगी बात दीवारों पे? जी दरअसल मुझे पता चला था कि आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और आपको ड्रिप लग रही है। ये किसने कहा आपसे? तुम्हारे बाप ने। अरे वो तो अब अपने दिल की बात कर रहे होंगे। अम्मा बिल्कुल ठीक है, अम्मा को कुछ नहीं होगा। चलिए शुक्र है। खैरत मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। देखिए मैडम, अगर आपको पैसे चाहिए तो हमने घर के बाहर लिखवाया हुआ है कि पैसे मांग के खुद भी ना और हमें भी शर्मिंदा ना करे। ये करोड़पति है। अच्छा अगर पैसा देने की बात है तो हम बता दें, हमें सोच समझ के दीजिएगा, हम फौरन हाँ कर देते हैं। पैसों की कोई बात नहीं है, दरअसल हम शाम तक के लिए बाहर जा रहे हैं और आपके पास मैं एक अमानत रखवानी है। अरे आप फिक्र ही न करें, जेवर संभालने में तो मेरा जवाब ही नहीं है, बहुत हिफाजत से रखूंगी। हाँ ऐसा जेवर संभाल दिए कि मैं कहूं तो जूलर तक पहुंच जाती है और रसीद भी नहीं लाती और पैसे ले आती है। खैरन जेवर नहीं है। अच्छा तो क्या असला रखवाना है हमारे घर में? तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, जाओ इनके लिए चाय लेके आओ। अरे अम्मा अब्बा छुट्टी पर है का? छुट्टी पे नहीं है, मजबूर है। अच्छा तुम जाओ, चलो दफाओ। आ रहे। जी तो क्या कह रही थी आप? जी मैं ये कह रही थी कि मुझे आपके पास एक पेंटिंग करवानी है जो लाखों रुपए की है। फिर आप शाम तक के लिए रख लीजिए, मैं शाम में इसको वापस ले लूंगी। क्या ये आपके घर में महफूज नहीं है? दरअसल दो लोग हैं जो इसको खरीदना चाहते थे और मैंने खरीद ली और मुझे डर है कि ये इसको कोई चोरी ना कर ले। चले ठीक है, हम रख लेंगे, आप फिक्र न करें। जी जी ये शाम तक के लिए मैं ले जाऊंगी। जरूर जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह मियाँ क्या तेरे करिश्मे हैं। अरे लोग ये तस्वीरें बनाने के करोड़ों रुपए देते हैं, करोड़ों रुपए के खरीद लेते हैं और हम गरीब अपनी तस्वीर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वजीर तुझ पे तो लानत हो कमबख्त, मैंने कहाँ शादी कर ली कम लोग। कभी के दिन बड़े कभी की रातें हैं, कभी के दिन बड़े कभी। वाह 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 वजीर, लग रहा है तू चोरी करते पकड़ा गया। अरे नहीं नौशी, कुछ चुराने जा रहे थे मगर पहले ही छापा पड़ गया और गिरफ्तारी हो गई। अच्छा क्या चुराने जा रहा था वो? हमरे हाथ खोल दीजिए, हमका नजर नहीं आ रहा आप कहाँ है नौशी। ना 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 ना, आंखें खोल, ऐसे ही देख, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही बातें कर। वो हम किसी का दिल चुराने जा रहे थे। वाह वाह वाह, और छापा किसने मारा? अरे एक ही तो पुलिस है हमारे घर में जो हर वक्त हम पर नजर रखती है, उसी ने बांध डाला हमें। अच्छा चल तुझे सीधा बैठ, तुझे खोल ही देती हूँ, क्या याद रखेगा। अरे नौशी जी आराम से, इसी में गुजारा कर ले। अरे ये थोड़ा सा ये अरे नौशी जी वाह, आज आपने एक शेर को कैद से आजाद किया है।
हम आपका ये एहसान जिंदगी भर ना ही भूले। अबे ओए कागज के शेर ऐसे तोड़ मरोड़ के ना बिल्ली बना दूंगी तुझे। का कुछ ज्यादा ही कह गए हम? नहीं नहीं ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कह गया। अच्छा सॉरी, अब हम चलते हैं, क्योंकि नौशी कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वैसा ना हो कि शिकार आकर चला जाए और हमका खबर ही ना हो। वाह बहुत अच्छे, एक काम करते मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, जरा मैं भी तो देखूं तेरा शिकार। नहीं नौशी जी, वो आपके सामने हमका शर्म आएगी। अबे ओए तेरे मुंह से शर्म लफ्ज है ना जहर लग रहा है बेशरम। अरे आप जो मर्जी कह लीजिए, मगर अब आप यहाँ से जाएं, हम अपना शिकार अकेले खेलेंगे, फिर आपको बता देंगे। ओए ए, बात खत्म नहीं हुई है, सिर्फ मार पड़ेगी तुझे। ए, अभी भी खत्म नहीं हुई, तू अकेला ही रह जाएगा। ठीक है बोल, बस मैं जा रही हूँ। अरे नौशी जी, अरे आज तो हमारा जीतने का दिन है, आप बस देखती जाएं। शिकार कोई है नहीं, इधर घर पूरा खाली पड़ा हुआ है। मेहमान कहाँ चले गए? अरे तुम एक घंटे में चाय बना के लाओगे तो मेहमान रुकेंगे थोड़ी। प्यारे चाय बनाना ना बच्चों का खेल नहीं है। तो चाय बनाने में कौन सा हाथी घोड़ा लगता है बबन भैया? हाथी घोड़ा नहीं लगता है लेकिन पानी लगता है, और पानी हमारे घर में था नहीं। हाँ। पानी लेने के लिए मैं सामने वाली आंटी के पास गया तो उन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया। हाँ मजबूरी का फायदा? हाँ मजबूर, अबे वो वाली मजबूरी का फायदा नहीं, दूसरी वाली मजबूरी। मैं आ गया, मैंने कहा पानी दे दो मेरे को, तो आगे से कहते मेरे को आधा किलो दही लाके दो फिर पानी दूंगी। तो तुम तो दही लेने निकल गए होगे? हां फिर मैं दही लेने निकल गया, दही लाके मैंने उनको दिया तो उन्होंने मुझे पानी दिया। पानी जब मैं लेके आया तो मैं उसको चढ़ाने लगा चूल्हे के ऊपर, लेकिन गैस नहीं आई। चलो ये तो अच्छा हो गया ना, किचन का माहौल साफ रहा। अबे वो वाली गैस नहीं, चूल्हे की गैस की बात कर रहा हूं। फिर कुछ नहीं, मैं लोड शेडिंग के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, वो पूरा टाइम में खड़ो के ऐसे 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 करते रहा। जैसे ही गैस आई है मैंने चाय चढ़ाई है, चाय बनी है, मैं ले आया हूं। अच्छा चलो ये तो अच्छा किया, चाय बना ली तुमने। हां ये मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं आज। वेरी गुड। वैसे ये बता तू मुझे अकेला छोड़ के कहां चला गया था? वो हम जरा नींद की झपकी मारने गए थे। वाह वाह वाह, जितना निश्चित तू चल रहा है ना अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया में ऐसे तीन चार भी हो ना, पूरी दुनिया सोच रहे पेंगुइन सोते रहे सारे। अरे चलो वो छोड़ो, ये बताओ किसमें कहा। अरे अरे बब्बन भैया क्या? अरे वाह वाह वाह, ये तो तस्वीर है भाई। अरे अरे ये देखो तस्वीर, ये तो गुल्लू अंकल लग रहे पड़ोस वाले। अरे गुल्लू अंकल? अरे नहीं, गुल्लू अंकल की नाक डिफरेंट है भैया, छोटी है थोड़ी। हाँ उनके बड़े मुंह पे छोटी सी नाक लगी हुई। लेकिन तस्वीर कोई खास लग रही है का? इसको ठीक करके दिखाए हो? कर लेगा। अरे ऐसा करते हम, दिखाओ पेन निकालते हैं। बेंगे भी है थोड़े। अरे बहुत छोड़ो, ये दो बजिया गुजरी होंगी। ये देखो अभी हम इसको बना देते हैं, आंखों का ही मसला है ना। देखो चश्मा, तेरे बिंदे सागर। वाह 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 प्यारे, तू तो कारपेंटर निकला यार। एक गधे, कारपेंटर नहीं मैकेनिक होता है वो। ओ हाँ प्यारे यार, तू तो मैकेनिक निकला है। देखो गुल्लू अंकल कितने प्यारे लग रहे हैं। गुल्लू अंकल चश्मा बना दिया हम। तू मेरा भाई है कि नहीं? थोड़ी गिटिया बना दे मेरे। गिटिया बना देते हैं, थोड़ा चश्मे के बाद हम जैसा भी लग रहा है ये गुल्लू अंकल। वाह यार वाह, अल्लाह की कसम तू बहुत टाइट कम कर रहा है ना। चलो अब बहुत देर हो गए भाई, बाहर चलते हैं, हवा खाते हैं। नौशी को भी बड़ी देर। हाँ नौशी को नहीं मिला। आ गए हम आ। अरे लगता है लेट हो गए। अरे शिकार चला गया, मगर हो सकता है शिकार अभी आया ही ना हो। ये का जबरदस्त लग रहे हो वजीर। अरे अरे खैर ने हमका बांध कर रखा हुआ था वहाँ, और हम वहाँ है नहीं, वो तो आग पकोला हो गई होंगी। अरे आ गए खैर, हम जरा ऐसे ही। हाय अल्लाह, तौबा 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 तौबा, ये दोनों तो दिमाग की दही बना देते, कितनी मुश्किलों से पीछे छोड़ा इनका। वजीर कहाँ चला गया? अभी तो कह रहा था कि शिकार पे जा रहा हूँ, लगता है उसी का शिकार हो गया। पर किया किसने? भाई बहुत अच्छे, इन मनुष्यों का भी कोई और काम नहीं, बस चीजें फैलाओ और चीजें रखो और कुछ नहीं। हाय 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 हाय,
ये क्या है? लग तो तस्वीर रही है, पर मिल किससे रही है? जिससे भी मिल रही है बहुत बेकार है भाई। पहले शायद अच्छी हुआ करती होगी, पर किसी जाहिल ने इस पे अपनी जहालत का कमाल दिखा दिया। सुनिए हुजूर, आपका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, आपको आपकी सही जगह छोड़ने चली जा रही हूँ, वो भी बाहर, घर के बाहर कचरे के डब्बे में, ताकि आप वहीं रहिए। और खबरदार, अगर वापस आने की कोशिश की तो। वाह नौशी, तू भी आर्टिस्ट ही है। मैं कितनी थी खाला, कमाल हो गया। चलो मिया बाहर चलो। पूरा ही करना। खैरन, खैरन। अरे मिसेज गुलाम आप आ गए। अरे कब से हम आपकी राह तक रहे। मुझे आना तो देर से था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं जल्दी आ गई। अरे रहा नहीं गया, अरे इसका मतलब हमारा जादू चल गया। हेलो, कौन सा जादू? खैरन को बुलाएं। अरे आपसे खैरन के बगैर रहा नहीं जाता और हमसे खैरन के साथ रहा नहीं जा रहा। खैरन, खैरन। अरे आप आ गए मिसेस गुलाम। जी मुझे अपने पेंटिंग की फिक्र खाई जा रही थी। अरे फिक्र करने की क्या बात थी भाई, आप एक जिम्मेदार खातून को पेंटिंग देके गई थी। वो तो है, मैंने उसको फ्रेम नहीं करवाया था इसलिए उसकी फिक्र हो रही थी। कहाँ है वो? ये रही, उठा के देखे। लो भाई ऐसे थोड़ी मैं इधर उधर कर दूंगी, रखी हुई थी यही। कहाँ है पेंटिंग? कहाँ है पेंटिंग? खैरन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो अरे यहीं होगी, मैं तो यहीं रख के गई थी। कहाँ है? यहीं थी। मगर आपने उसे यहाँ पे रखा क्यों? मैंने आपको कहा भी था कि वो लाखों की पेंटिंग है। अरे ये किस चीज का जिक्र हो रहा है, कुछ हमका भी बताइए। वजीर यहाँ ये जो लिफाफा रखा है ना, इसमें एक तस्वीर थी, वो कहाँ गई? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मिसेज गुलाम आप उस बेकार चीज के लिए परेशान हो रही हैं। बेकार? अरे हाँ बिल्कुल। अरे बल्कि आप फिक्र मत कीजिए, अरे हमने तो उसको और भी मजेदार बना दिया। क्या किया आपने उसके साथ और वो कहाँ है? अरे वो वाकई में यहाँ थी मगर अब यहाँ नहीं। तो वो गई कहाँ? तुमने देखी है वो तस्वीर? मैं बब्बन प्यारे को बुला के पूछती हूँ, उन्होंने शायद देखी हो। अरे बब्बन प्यारे। जी अम्मा। जी अम्मा। वो देखो यहाँ ये इस थैले में मैंने एक तस्वीर रखी थी, वो कहाँ है? इस तस्वीर? अम्मा कौन सी तस्वीर की बात कर रही हो, समझ नहीं आ रही। अरे इतनी बकवास तस्वीर थी, हमने उसका चश्मा बनाया, वो हम जैसा लगना शुरू हो गया और हमने उसकी मूछें भी बना दी। मूछें? अरे ये क्या किया तुम लोगों ने है नालायको, इनकी थी तस्वीर और इन्होंने बहुत महंगी खरीदी थी। अरे अम्मा उससे अच्छी तुम ये बना लेते हो। और उससे अच्छी हम बना लेते हैं। अरे लेकिन वो गई कहाँ? क्या है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे अच्छा है नौशी जी आप आ गई, देखिए यही है हमारा शिकार। नौशी यहाँ ये जो लिफाफा रखा है इसमें एक पेंटिंग थी, वो देखी है तुमने? हाँ देखी है, लेकिन तुम्हें यही जगह मिली थी कचरा रखने की। अरे वो गई कहाँ? वो उसको मैंने उसकी सही जगह पहुँचा। सही जगह कहाँ? मैंने ना उसे बाहर फेंक दिया, अब कचरे वाला आएगा उठा कर ले जाएगा। बाहर जमादार? आज क्या हो गया? मैं आपके चार छोड़ के, फिर आपके इजाजत है, मैं चार छोड़ के रहती हूँ, घर छोड़ के। मैं चार घर छोड़ दूंगी या फिर आप आ जाते हैं मेरे से। क्या कह रहे हैं आप? आगे क्या था? मैदान में। ओह तुम्हें क्या? ये मैंने भी होश था, वो हो गया सारे।